कार्बनिक कंपाउंड्स में दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में स्टडी करना है. फर्स्ट वन इज योर एथेनॉल एंड सेकेंड वन इज योर एथेनॉलिक एसिड. सो वी विल स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द एथेनॉल, दैट मींस C2H5OH. वी हैव ऑलरेडी रिटेन द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, एसिड्स, esters, aldehydes. So the formula of ethanol is C2H5OH. This is called ethanol. This is the second member of alcohol group. Alcohol group का ये दूसरा सदस्य है. इसके बारे में हम लोगों को याद करना है. तो alcohol जानते ही हैं, जिसे शराब बनता है. जितने भी ये जो शराब के अलग अलग जो वैराइटीज हैं, जैसे रम होता है, विस्की होता है और भी क्या क्या होता है, वो सारे जो है उसमें अल्कोहल होता है. यहाँ तक कि जो लोग कफ सिरप यूज करते हैं उसमें भी जो है अल्कोहल का उपयोग होता है. और उसके बाद में एक टिंचर आदि जो घाव वगैरह में स्याही जैसा रंग होता है उसका लगाते हैं, तो उसमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. उसके बाद में अल्कोहल जो है एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है. इसका इस्तेमाल एक सॉल्वेंट के रूप में होता है अल्कोहल का. और ये जो है हमारा इंडस्ट्री में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लेबोरेटरी में अल्कोहल का उपयोग होता है. तो ये हमारे लिए यूजफुल है. लेकिन इसका जो है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्या कि ये मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक होता है जब इसको बहुत अधिक मात्रा में लोग सेवन करने लगते हैं. तो हम देखेंगे कि इस एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, मेथेनॉल को मिला दिया जाता है. एथेनॉल और मेथेनॉल एक ही ग्रुप का ये मेंबर है, अल्कोहल ग्रुप का ये मेंबर है. लेकिन मेथेनॉल जो होता है वो बहुत ही जहरीला होता है. थोड़ी सी भी मात्रा में अगर मेथेनॉल का कंजम्पशन किया जाए तो उसे क्या होता है कि लीवर में जो है सो जाकर के वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेथेनॉल से मेथेनॉल बन जाता है. अभी देखेंगे, पहले भी देख चुके हम लोग ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में कि ऑक्सीडेशन में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है, तो मेथेनॉल से बन जाता है मेथेनॉल. और वहाँ के जो सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म है उसको वो क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, जम जाता है. कैसे, इस प्रकार से अंडा जो होता है, अंडा जब हम लोग बॉइल कर देते हैं तो अंडा का जो भीतर का जो पीला वाला भाग है वो क्या होता है, जम जाता है. और फिर वो अंडे के अंदर जो जीवन है वो नष्ट हो जाता है. और फिर उसे कभी भी मतलब चाहेंगे कि उसे चूजा प्रकट हो जाए वो होने वाला नहीं है. उसी प्रकार से लीवर के जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जाकर के ये जो मेथेनॉल है वो मेथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो उसके सेल के प्रोटोप्लाज्म को वो कोगुलेट कर देता है, जमा देता है. और जब जम जाता है तो सेल डेड हो जाता है. जब सेल डेड हो जाता है तो फिर लीवर काम करना बंद कर देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है. और देखते होंगे आप लोग किस जहरीली शराब के पीने से कितना अंधा हो गया, कितने लोगों की मौत हो गई. वो जहरीली शराब में क्या होता है, मेथेनॉल ही होता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि इस एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में मेथेनॉल या पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक कॉपर पाइरिडीन हम लोग मिला देते हैं ताकि ये पीने के अनफिट हो जाए, पीने के लिए अनफिट हो जाए. एंड दैट अल्कोहल इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल. तो अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे. यह है अल्कोहल और ये एथेनॉल जो है वो अल्कोहल जो है सो हम ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर अल्कोहल. और ये जो एथेनॉल है वो बनता कैसे है, फर्मेंटेशन के द्वारा, फलों के जूस से और भी जो शर्करा होता है उसका फर्मेंटेशन करते हैं तो हम लोग को अल्कोहल प्राप्त होता है. तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे. तो पहला है एथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड. क्या है, कलरलेस है, तो उसका कोई कलर नहीं होता है. विथ ए कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल, इसमें विशेष प्रकार की धातु.
ब्राह्मणों जो गंध अब शराब वाली जो गंध होती है उस प्रकार की गंध होती है कश्मीर। सेकेंड है लेकिन वर्णिंग उद्देश्य और यह उद्देश्य में क्या आता है जलन पैदा करता है, पीने से क्या आता है जलन पैदा होता है और इसलिए इसमें पानी मिला करके लोग इसका सेवन करते हैं। उसके बाद में इस वॉल्यूम पॉइंट इज लो इट इज वोलेटाइल एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस इन डिजॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू OH ग्रुप। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है और वाटर में भी OH होता है, H प्लस एंड OH माइनस ये मिलकर के वाटर बनता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब एक जैसा जो चीजें होती है वो अपने ही जैसे में घुलती है। इसके पास भी OH है, वाटर के पास भी OH है, इसीलिए अल्कोहल जो है वो वाटर में क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है। अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर एंड अल्कोहल इनविसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन मतलब जितना चाहो उतना पानी डाल करके इसमें मिला सकते हैं और दूध के जैसा। तो अल्कोहल पानी आपस में क्या है क्या इनविसिबल आपस में क्या करते हैं मिल जाते हैं। उसके बाद में है कि 100% जो प्योर अल्कोहल है जिसमें कुछ भी मिलावा नहीं है पानी वगैरह उसको हम लोग एक्सेल्यूर का अल्कोहल कहते हैं। और दूसरा है इवन 5% वाटर इज मिक्स्ड विद अल्कोहल देन इट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड अल्कोहल एंड अल्कोहल दैट इज यूज एज फ्यूल जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं पावर अल्कोहल। उसके बाद में इसके पहले भी मैंने बताया कि जब एथेनॉल में हम लोग उसको वी वांट टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग मतलब पीने के अयोग्य बनाना चाहते हैं बाय एडिंग मेथनॉल और पॉइजन सब्सटेंस लाइक कॉपर पार्डिन देन दिस एथेनॉल और दिस अल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। ये था अल्कोहल के बारे में इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। एथेनॉल इज ए कैरेक्टरिस्टिक विद ए कैरेक्टरिस्टिक विद ए कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल इट हैज बर्निंग टेस्ट इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड इट्स रीचिंग 78 डिग्री सेल्सियस इट इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू OH ग्रुप लाइक डिजॉल्व्स लाइक एंड इट इज इनविसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। एथेनॉल containing 5% water is called rectified alcohol. Methanol, methanol and poisonous substance like copper paraffin is added in ethanol to make it unfit to drink or for drinking. This alcohol is called denatured alcohol. So this is about the physical property of ethanol or some important terms regarding ethanol or alcohol. Now we see the केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल मींस रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम विद सोडियम सो व्हेन सोडियम रिएक्ट विद एथेनॉल देन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एथेनॉल reacts with sodium and form hydrogen gas. Hydrogen gas. So this is C2H5OH+. Sodium, so it will become C2H5ONa+S2. So this is your 2 and 2 and 2 and 3H2. This is sodium hydroxide. Its name is sodium hydroxide. This is your ethanol. And this is hydrogen gas. Hydrogen. This is the sodium. So it's right here that when ethanol reacts with sodium, then sodium hydroxide and hydrogen gas is produced. Second,
H2SO4 reaction with form H2SO4 when the small reaction with form H2SO4 then ethene is formed, ethene C2H4. You see here this is your C2H5OH. Ethanol reacts with COMP H2SO4 and 423 Kelvin to give ethene Now we get out.
फॉर्म ऑफ फिल्म सो इट इज यूज्ड एज फ्यूल। ये जो है ना वो एज अ क्लियर फ्यूल के साथ रहता है और लास्ट में फॉर्म में हीट देता है, इसलिए बहुत अच्छा ईंधन है। सेकंड है इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। बताया कि जो भी जितना भी पीते हैं हम लोग, मतलब लोग यूज करते हैं, या बिस्की हो चाहे रात हो चाहे बियर हो चाहे और भी क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका उसमें क्या होता है अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आ रहे हैं इट इज ए गुड सैनिटाइजर। अभी सैनिटाइजर का बहुत हंगामा हो रहा है, तो इसको जो है वो जर्म्स को एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियल को मारने के लिए सैनिटाइजर के रूप में भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में अल्कोहल का इस्तेमाल जो है पहले होता है मेडिसिन में होता है, जैसे कफ सिरप में होता है, टिंचर अग्री मारने में होता है, और जितने भी टॉनिक्स होते हैं पकाने के लिए जो टॉनिक पीता है ना शरीर में ताकत के लिए, तो उस टॉनिक में भी जो है वो अल्कोहल की मात्रा होती है। और इट इज ए गुड सॉल्वेंट, सो इट इज यूज एज सॉल्वेंट इन सॉल्विंग और इन डिजॉल्विंग पेंस वार्निशेज इत्यादि। मतलब पेंस को घोलने में, वार्निश को घोलने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो पहले ये हो गया फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है तुम्हारा जितना भी ड्रिंकिंग बेवरेजेस है, जैसे तुम्हारा बियर हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड है सैनिटाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। फोर्थ है कि इसका इस्तेमाल जो है हम लोग मेडिसिन में करते हैं, जैसे कि कफ सिरप में, टॉनिक में और टिंचर अग्री में। और चौथा जो है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, यहाँ तक कि परफ्यूम जो बनाते हैं और डिओड्रेंट जो हम यूज करते हैं उसमें भी जो है वो सेकेंड कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज एथेनोइक एसिड।
हाइड्रोजन CH3 CO OH and the structure is CH3 C double bond O OH. This is the structure of ethanoic acid. And what is ethanoic acid? Of course, it is a weak acid. Ethanoic acid is a weak acid and it turns blue litmus red. And ethanoic acid is commonly known as acetic acid. We have already written about the common name of ethanoic acid is acetic acid. And the 5-8% solution of ethanoic acid in water is called vinegar. So silica bone, which is a good preservative. It is used in preserving the pickles. अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग विनेगर का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज विनेगर? इफ एनीबॉडी आस्क्स यू अबाउट द विनेगर, व्हाट इज विनेगर? 5-8% सॉल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. इट इज अ गुड प्रिजर्वेटिव. इट इज ए गुड प्रिजर्वेटिव. It is used to preserve the pickles. ये जो है अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं विनेगर का. और यू मे नो अबाउट द विनेगर. द विनेगर इज 5-8% सॉल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाटर. इट इज ए गुड प्रिजर्वेटिव एंड इट इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग द पिकल्स. सो दिस इज अबाउट विनेगर. एंड द थर्ड वन इज इट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग साउर टेस्ट. जब कम है टेस्ट कैसा खट्टा होता है. सो इट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग साउर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर. और कैसा होता है इसका गंध? विनेगर के जैसा. सिक्का की होता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन. सो इट ऑफन फ्रीजेड in winter in cold country. So this pure ethanoic acid is called glacial acetic acid. It is called glacial acetic acid because it freezes like snow. ये बर्फ के जैसा जम जाता है जाड़े के दिनों में cold countries में, क्योंकि इसका जो melting point है pure ethanoic acid का वो कितना है 290 केल्विन, मतलब room temperature से भी below. तो ठंडे के दिनों में ये जम जाता है. और इस प्योर होता है वो पके हुए फलों के जैसा होता है.
आपको जब ये परफ्यूम में इसका इस्तेमाल होता है, स्टेप का आपको डिओड्रेंट का इस्तेमाल होता है, परफ्यूम की जो स्मेल आता है वो हमारे जो है वो एस्टर के काम होता है। फर्स्ट रिएक्शन इज योर एस्टरीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बीबीआई, बीबीआई एस्टरीफिकेशन। सो व्हाट इज एस्टरीफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, हाउ एस्टर इज फॉर्म बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन, इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। क्या कहते हैं उसको? एस्टरीफिकेशन। नाउ दिस इज योर CH3COOH, दिस इज एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड प्लस CH3CH2OH, दिस इज योर एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल। सो एच ऑफ एसिड एंड ओएच ऑफ एथेनॉल, देन रेस्ट इज CH3CH2CH3, और यू में राइट द C2H5 प्लस H2O, दिस इज योर मिथाइल एंड दिस इज योर एथेनॉइड, मिथाइल एथेनॉइड। And this is your ester. This is the formation of ester. That's why it is called esterification. So we will see about the ester. What is ester? Ester is a sweet smelling substance. It is used as a drinking beverages. जो हम लोग कह सकते हैं जो ड्रिंक हम लोग बनाते हैं, जैसे फ्रूटी बना उसमें आम का जो सुगंध है, एप्पल का जो सुगंध पीते हैं, इस तरह के जो हम जितने भी ड्रिंक्स बनाते हैं ना उसमें जब उसके सुगंध के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या होता है? एस्टर ही होता है। और अब एस्टर का रिएक्शन फिर से जब हम लोग इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, उससे जब करते हैं इन पर जब सब सोडियम हाइड्रोक्साइड, then once again we get the acid and alcohol, so this reaction is called saponification reaction. What is called saponification reaction? Because from this reaction soap is formed, so this is called saponification reaction. So we will see, so this is the first reaction of formic acid, esterification, very important reaction. And second one is also very important, that is saponification, रिएक्शन ऑफ एस्टर और हाइड्रोक्सिलिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेस, व्हेन एस्टर रिएक्ट्स विद द बेस देन वंस अगेन एसिड एंड अल्कोहल आर फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड दिस इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ दिस एस्टरीफिकेशन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। तो हम सपोनिफिकेशन के बारे में देखेंगे और एस्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एस्टर, बट आई हैव रिटन हियर अबाउट द एस्टर। एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ये डिसीजन वाले प्राप्त होते हैं, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, इसका सफर क्या होता है? परफ्यूम राइट होता है, एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट, जो अलग अलग फ्लेवर होता है, एप्पल का फ्लेवर, मैंगो का फ्लेवर, वो किसी कारण होता है? ये एस्टर के कारण होता है। तो दो तरीके एस्टर होते हैं, नेचुरल एस्टर जो कि आपको प्रकृति में जैसे सेब का सुगंध, आम का सुगंध जो आप लेते हैं वो एस्टर के कारण है और वो एस्टर है नेचुरल। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल ड्रिंक्स बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? हम लोग ये कृत्रिम एस्टर को बना कर उसमें डाल देते हैं और हमें उसका जो गंध है, टेस्ट है वो बिल्कुल
होता है, तो इसका इस्तेमाल एक तो मंथली में होता है और लेबर में होता है, यानी एजेंसी में इसका इस्तेमाल होता है। अब एक्स्ट्रा डीएस इन द प्रोसेस ऑफ एन एसिड और ए बेस टू गिव बैक अल्कोहल एंड एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इन बाय दिस रिएक्शन सो आर फॉर्मड। इस रिएक्शन से क्या होता है, सो बनता है। कैसे, एस्टर को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड या बेस के उपस्थिति में, तो फिर से एस्टर वापस क्या देता है, एसिड और अल्कोहल दे देता है। आगे बताइए एग्जाम्पल CH3COOC2H5 और एस्टर इथाइल एथेनोएट एस्टर एंड इट विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज बेस, यू हैव नोन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एंड बेस, सो दिस इज द बेस, सो इट रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एनोएट एंड इट गिव्स CH3COOH plus C2H5OH. This is the metabolic acid. Ethanolic acid and second ingredient ethanol. So this reaction is not saponification reaction. Saponification reaction. अब क्योंकि एक एसिड नाम है, एसिड मतलब ये एसिड है, तो एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल से रिएक्शन करता है तो सारो हाइड्रोजन बनता है, ये भी बनाएगा। इसके बाद में एसिड रिएक्शन करता है कार्बन मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो साल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, तो ये भी बनाता है। उसको हम देख लेंगे रिएक्शन विद मेटल एंड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो रिएक्शन विद ए बेस एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। This is your ethanoic acid. It will react with sodium hydroxide. This is your base, sodium hydroxide. This is ethanoic acid. Very common reaction. Acid plus base, salt plus water. So it will form CH3COONa+H2O. This is sodium ethanoic. Its name is sodium ethanoate. Like ethyl ethanoate, it is sodium ethanoate. In place of ethyl, here it is sodium. So it will be sodium ethanoate plus water. So this is your salt. And this is your water. So this is the metallization reaction. Fourth one is your reaction with metal carbonates and hydrogen carbonates. So what will it make? It will make salt, water, carbon dioxide. So you will see here, this is the ethanoic acid and this is your sodium carbonate and it will form salt CH3COONa and plus H2O plus CO2. अब तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड जो है वो मेटल कार्बन से रिएक्शन करके साल्ट वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड करता है। वन सेकेंड थी सोडिया
ethanol is acid. Is it acid? And this is your sodium carbonate. Sodium carbonate. This water, carbon dioxide. So you want to balance it, and this will be this. Now CH3 COOH plus NaHCO3 with metal hydrogen carbonate. The reaction will be similar. CH3 COOHNa plus H2O plus CO2. So same thing here. Ethanoic acid, sodium hydrocarbonate, sodium ethanoate, water, and carbon dioxide. So these are the reaction of ethanoic acid. First one with ethanol, esterification. That actually esterification very important. And the opposite of esterification is modification by making ethanoic acid and ethanol with ester. By ester, so this is called modification. And third one is reaction with base, your digestive reaction. And fourth one is reaction with metal carbonate with metal hydrogen carbonate. So this is the result of some chemical properties of ethanoic acid. ये था question. Alcohol और ethanoic acid के बारे में आप थोड़ा सा देखें कि हम लोग soap and detergents के बारे में क्या class में आपके alcohol और ethanoic acid में क्या मतलब differences हैं या कैसे distinction हम लोग करेंगे. Normally जो है वो carbon liquid है कैसे पहचानेंगे इसकी पहचान हम लोग करेंगे अगले क्लास में और दोनों का डिफरेंस देखेंगे एल्कोहल एंड एथेनॉइक एसिड का डिस्टिंक्शन लिख देते हैं ताकि याद रहे डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड एसिड इसके बीच का डिस्टिंक्शन क्या होगा कैसे हम लोग पहचानेंगे. दो बोतल में दो सीसी में दिया हुआ है बोतल में दिया हुआ है एक में एथेनॉइक एसिड है एक में अल्कोहल है तो हम कैसे पता करेंगे कि किसमें अल्कोहल है कौन से देखो दोनों कलरलेस है दोनों पानी में मिसिबल है वाटर में मिसिबल है तो हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे और क्या डिफरेंस है तो हम उसको लिखेंगे और फिर हम लोग सोप डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद फिर ये चैप्टर समाप्त होगा.